जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। आ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकती। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरी ही हूँ मगर तेरी हो नहीं सकती। हमें मार ही ना डाले बुरी नजरें लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने। तारों के शहर से लेट मी टेक यू टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक के शहर में। हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार एंड दिस इज टी सीरीज एंड रेड एफएम्स इंडी है हम सीजन टू, एक ऐसा शो जहाँ वी ब्रीद इंडिपेंडेंट म्यूजिक। और आज हमारे साथ जो गेस्ट होने वाले हैं, उनकी स्टोरी हर आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन है। ही स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली बट टूडे ही रूल्स बोथ द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड ओवर अ मिलियंस ऑफ हार्ट्स। थोड़ी देर पहले मैंने जो ट्रैक गाया वो उनके ही सोलफुल सॉन्ग तारों के शहर का रेंडिशन है। द करिश्मैटिक जुबिन नौटियाल, जिनके साथ मैंने कई सारे कोलैब्स किए हैं, ही विल बी जॉइनिंग अस टुडे इन अ वाइल। इस शो में हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट सर्किट की बेस्ट वॉइसेस आप तक पहुंचे। तो अगर आप खुद एक इंडी आर्टिस्ट हैं, देन लेट अस नो अबाउट यू एंड योर वर्क इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आप तक पहुंचे। बट फॉर नाउ लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। मिलाते हैं आपको आज के इंडी आर्टिस्ट से। ही इज फ्रेश, ही इज वाइज एंड ही इज अ डेफिनेट मूड फॉर एवरी मोमेंट इन लाइफ। कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन दोईमुख इन अरुणाचल प्रदेश, इनके गानों में इनकी ऑनेस्टी और फोक रिप्रेजेंटेशन क्लियरली दिखाई देती है। बिफोर वी कनेक्ट विद हिम, लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट ताबा चाके। अरुणाचल प्रदेश के ताबा के गाने आप किसी रेनी इवनिंग में खिड़की के पास बैठ के सुन रहे होंगे और किसी दिन रोड ट्रिप पर दोस्तों के साथ पहाड़ों में जोर जोर से गा रहे होंगे। Such is his versatility. His command over several languages is what adds to his charm. कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड ना होने के बाद भी ताबा ने अपना स्पेस बनाया और अपने एक्सपीरियंसेस को अपने लिरिक्स में उतारना शुरू कर दिया। This finger style guitarist, singer, songwriter and performer had 12.2 million streams across platforms on his debut album. Critics and audiences दोनों के फेवरेट। ताबा का म्यूजिक आपको अपनी फास्ट पेस्ड लाइफ में एक बार तो रुकने को मजबूर कर ही देगा। प्रेजेंटिंग ताबा चाके ऑन इंडी है हम सीजन टू। वेलकम टू द शो ताबा। मैं तो खैर आपको हाय हेलो या किद्दा ही बोल सकती हूँ, पर आप मुझे कितने लैंग्वेजेस में वेलकम करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए आपके शो में। और कितने लैंग्वेज में तो कैसे बोल सकता हूँ, लैंग्वेज तो निशी में आई कैन से यू नो पायलिंग चुंगम गुदु, थैंक यू फॉर हैविंग मी बेसिकली। एंड हिंदी में तो थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए आपके शो में। और अंग्रेजी में तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेल
ताबा, आई मस्ट से दैट यू आर डूइंग सम ग्रेट वर्क और आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क ऑन यूट्यूब, ऑल योर वीडियोस. व्हेन डिड दैट थिंग स्ट्राइक के अच्छा म्यूजिक ही करना है? एट व्हाट एज डिड यू थिंक दैट आई वांट टू टेक दिस अप इन अ फुल फ्लेज्ड वे? आई थिंक 2005 को डिसाइड हो चुका था कि यू नो आई विल डू म्यूजिक कंप्लीटली, यू नो अलग चीज करने का इतना मन नहीं था और उस समय पता भी चल गया था कि नो आई थिंक दिस इज माय कॉलिंग, यू नो. बट बिफोर दैट आई वांटेड टू बिकम सम मैकेनिकल इंजीनियर और एनीथिंग समथिंग लाइक दैट. बट सो यू वर स्टडीइंग? नो, उस समय तो क्लासेस आई थिंक 7 या 6 पे था, लेकिन उस समय ड्रीम था मेरा. Okay. So tell me about Arunachal Pradesh, you know. This place always fascinates me. क्योंकि बहुत ही काम सीरीन वाइब है इस प्लेस की. सो व्हाट इफ आई कम टू योर सिटी, आप मुझे कहाँ कहाँ लेके जाओगे इन अरुणाचल? पहले तो मेरा गांव, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी दोस्त होगा बाहर से, जो भी आएगा अरुणाचल, मैं अपना गांव दिखाऊँ, अपने लोग को दिखाऊँ, फैमिली को मिलाऊँ. उसके बाद तो बहुत सारे जगह, यू नो, इट्स लाइक कंट्री. यू विल गेट टू एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स. आपको स्नो मिलेगा, आपको प्लेन एरिया देखना है, वैली देखना है, खेत देखना है, व्हाटएवर, बहुत सारे जगह है. और एक ताबा, आप इसके साथ साथ यू डू अ लॉट ऑफ लाइव परफॉर्मेंसेस, यू नो पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स. सो हाउ इज इट बीइंग ऑन स्टेज? हाउ डू यू लाइक दैट होल वाइब? एक होता है सॉन्ग्स क्रिएट करना और दूसरा होता है आप जाके उन सॉन्ग्स को, व्हेन यू sing it for the audiences, how is that whole vibe? Main to abhi bhi believe hi nahi hota hu, you know, like people are listening to my songs, you know, and they're dancing to my songs or doing covers, you know. For me it's like dream come true, you know. Main kabhi socha hi nahi hu, you know, ek chota shahar bhi nahi bolunga, ek chota gaon ka ladka, you know bahar nikal ke gaane release karna, logo tak pahunchna, log mere gaane ko mujhe ga ke sunana. I think it's different, completely different vibe, I think. I know. I can so connect with that. Kyunki wo ek best feeling hoti hai jab, you know, you connect with your fans through your music. Aur yahi nahi, aap apni jo language hai, Nishi language ko bhi aap mainstream mein leke aaye and you made a song in that language. How was that whole experience of connecting with your people through a song in their language? मुझे लगता था कि यू नो इतना लोग सुनेगा नहीं मेरा लैंग्वेज को, मतलब अरुणाचल का जो भी निशी लैंग्वेज है. मुझे लगा कि इतना सुनेगा नहीं, पर जैसे मैंने एल्बम के साथ मिक्स करके, ब्लेंड करके, सारे हिंदी और इंग्लिश के साथ मिक्स करके जब एल्बम रिलीज़ किया, लोगों को बट देर आर फ्यू पीपल जो मेरे निशी गाने को इतना पसंद करता है, इतना पसंद किया, और वो मतलब बिल्कुल एक भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं करता है. बाहर के लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरुणाचल पीपल, यू नो, दैट मेड मी, यू नो, कि अरे ये तो मैं जो मतलब करना चाहता था उससे ज़्यादा हो गया ये. आई थिंक म्यूजिक इज़ नो बैरियर एंड अगर अच्छा सॉन्ग होता है तो किसी भी लैंग्वेज में हो, इट ऑलवेज कनेक्ट्स, यू नो, थ्रू म्यूजिक. एंड देयर इज़ वन मोर सॉन्ग ऑफ योर्स शायद, मुझे उसके बारे में पहले सुनना है कि वो कैसे क्रिएट हुआ, और फिर ऑफकोर्स आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म दैट फॉर ऑल ऑफ अस. डेफिनेटली दिस सॉन्ग इज especially dedicated to myself actually, and for people who's, you know, struggling in their life. Shayad main hi hoon, shayad main nahi, hua kya na jana, jaane ye raaste le jaate hain kahan pata na. यूं ही बस चल पड़ा, मुझको कुछ भी खबर नहीं. मैं हूं एक मुसाफिर, हम सफर भी नहीं. इनमें भी मैं नहीं, मुझे ये है हुआ क्या,
कुछ पता ही नहीं, शीशे की राह पे चल के ढूंढे अब मंजिले हम, गिर पड़े जो तो गिर तू, हौसले टूटे नहीं। जिंदगी ऐसा होती है कहाँ ये कहाँ, ये फासले जो दरमिया दूरिया ये दूरिया। जिंदगी ऐसा होती है कहाँ यारों, ये कैसी है आखिर मजबूरिया मजबूरिया। इन पे भी मैं ही हूँ, इनमें भी मैं नहीं, मुझे ये है हुआ क्या कुछ पता ही नहीं। शीशे की राह पे चल के ढूंढे अब मंजिले हम, गिर पड़े जो तो गिरने तो हौसले टूटे नहीं, हौसले टूटे नहीं, हौसले टूटे नहीं। Beautiful. Beautiful, Taba. I think your voice has this quality जो instantly आपको कहीं और ही transport कर देती है. But सिर्फ मैं नहीं हूँ जो आपकी vocal से impressed है, आपके song से impressed है. But there is a guest with me today who's equally impressed and I would like you to meet Jubin Nautiyal. Hi Jubin, how are you? I'm good, how are you? What's up? Good. Yes, I'm good, how are you? So good to have you on the show because yeah. इंडिपेंडेंट म्यूजिक का शो है और आपके बिना ये शो पूरा हो ही नहीं सकता। That's your humbleness. Thank you so much. Well, Jubin, I have another artist with me who is all the way from Arunachal. Wow. And उनको भी जो इंस्पिरेशन है वो ट्रैवलिंग से मिलती है आपकी तरह। So I would like to Hi. meet Taba Chake. How are you, rockstar? Good, good. How are you? I want to congratulate you for the song that you've done, Shayad. I love that song. Thank you so much. I think we connect with each other with the mountains. एक पहाड़ होता है जो इंसान के बाहर होता है और एक पहाड़ होता है जो इंसान के अंदर होता है. I'm very very happy to speak with you. Same here. So excited. So I'm saying that अरुणाचल प्रदेश का जो folk music है मुझे बहुत attractive लगता है. Absolutely. जिस तरीके से It's very rich. He sings, he has an amazing tone. Yeah. इधर अब तो बिल्कुल अब तो lockdown नहीं है. पर सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा है धीरे धीरे. आई थिंक ये साल तो फेस्टिवल म्यूजिक फेस्टिवल तो धमके होगा. आई थिंक बहुत सुंदर होने जा रहा है बिकॉज सब लोग तो थोड़ा बोर हो गया एक साल से कुछ नहीं करके. नहीं, आई थिंक एक साल में सबने बहुत सारा म्यूजिक किया है एंड वो सारी बोरियत को दूर कर दिया है म्यूजिक ने. सो थैंक यू सो मच ताबा फॉर being with us and joining us today. It was great talking to you. Thank you for having me. So Jubin, now it's just you and me in the house and बहुत सारी बातें होंगी, मस्ती होगी. Are you ready? I am. Well, I'm excited. ऐसे सब लोग सोचते हैं कि जब दो singers मिलते हैं तो mostly गानों की बातें होती हैं या lyrics की या studio sessions. But when we meet and when we talk, especially during the lockdown, you remember हमारी किस topic पे conversation हो रही थी? Yes, we were talking about meditation. Right. And the mountains. Right. यार वो इतना stunning view ना. Please describe करो सबके लिए. देखिए मैं जब lockdown से lucky था कि मेरी माँ ने phone करा मुझे, बोला कि तुम आ जाओ घर. लॉकडाउन हुआ नहीं था अभी. मैंने उन्हें बोला कि बस दो गाने रिकॉर्ड करने हैं, बॉम्बे जाता हूँ फिर आ जाता हूँ.
थे, नहीं नहीं तुम अभी आ जाओ अभी आ जाओ. शी वॉज वेरी एडमेंट. मैंने कहा चलो ठीक है. शिलोंग से मैं शूट करके घर पहुंचा, दो दिन हुए लॉकडाउन हो गया. एंड फॉर अ बॉय लाइक मी जिसको पहाड़ों की इतनी आदत है, अगर 3-4 महीने बम्बई रहना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. आई वॉज लकी. 3-4 नहीं 6-7 महीने सब लोग जो हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ कि अगर मैं अपना हार्ट एंड सोल एक जगह लगाता हूँ, दैट्स द ओनली वे आई नो हाउ टू ऑपरेट. सो आई वुड गेट वेरी इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. पर पता है क्या होता है, इट इज़ अबाउट दैट 1 आवर बिफोर यू स्लीप. व्हाट यू वांट टू डू, किस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, ये उस वो लाइफ उसके बारे में. और मेरा गिटार एक लौता मेरा साथी होता है जो सोने से पहले मेरे साथ होता है. हम लोग साथ में बातें करते हैं थोड़ी. हाँ स्वीट. बस बस उसी के वजह से शायद संगीतकार बन गया मैं. पहले मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने बोला है कि जुबिन अपने बाल इतने लंबे क्यों रखते हैं. इज इट दैट आप अपने फेस से ध्यान हटा के बालों तक लेके जाना चाहते हैं, सो दैट नोबडी टेल्स यू कि यार एक्टर बन जाओ एक्टर बन जाओ, बिकॉज़ यू हैव एवरीथिंग इन यू टू बी इन इन द एक्टिंग बिजनेस. एक्टिंग का ये है कि क्या होता है, जब आप बम्बई आते हैं शुरू शुरू में बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस होती हैं. हाँ. तो मैं जब आया था मेरे छोटे बाल थे. हाँ. सो दिस टॉल बॉय. आई हैव नेवर सीन यू विद छोटे बाल. थैंक यू. थैंक्स टू द बॉम्बे इंडस्ट्री की उन्होंने शुरुआत में ही मुझे एक डायरेक्शन दिखा दी. तो जब एक संगीतकार आपसे मिलने आता है, फिर एक इंसान आपको बोलता है कि यार तुम संगीत वंगीत का तुम्हें एक्टिंग वैक्टिंग करनी चाहिए. हाँ, दैट्स द कॉमन थिंग. वो उनकी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट है, बट हमारी तरफ से इट्स वेरी हर्टफुल कि यार मैं मेहनत करके आपको गाना सुनाने आया हूँ, एक्टिंग करने नहीं आया हूँ. सो आई थिंक फिर उसके बाद बाल बड़े होते रहे सडनली लोगों ने मुझे म्यूजिशियन की तरह देखना शुरू कर दिया. Okay. और अब अगर मैंने बाल काटे तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा. आई एम श्योर. बिगनिंग फ्रॉम माई मॉम, जिनको मेरे कभी अच्छे नहीं लगते थे लंबे बाल, और वो कहती अब तू बाल नहीं काटेगा तो अपने लंबे रखेगा बाल. हाउ स्वीट. यू नो टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, अगर मैं बात करूँ नॉट जस्ट इन हिंदी, यू संग इन अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि तेलुगु एंड गढ़वाली. एक फोक तो हमने भी किया था, ताचुमा. तो उसके अलावा हाउ डज फोक म्यूजिक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस योर म्यूजिक? मुझे लगता है हर संगीत की जड़ फोक म्यूजिक से ही है. मुझे लगता है जब इंसान इतना डेवलप नहीं था, जब इंडस्ट्री नहीं थी, जब ये सब संगीत नहीं था, ये सब तो गाँव की कुछ सिंपल बातें होती थी जो लोग गाने बना देते थे. मेरे लिए फोक म्यूज़िक सब कुछ है. फोक म्यूज़िक ड्राइव करता है मुझे. मुझे लगता है जब भी गाना सिंपल होता है, जब भी गाने में एक सिंपलिसिटी होगी तो उसमें एक सच्चाई रहेगी. जब भी सच्चाई रहेगी तो वो एक आम आदमी से बहुत ईजिली कनेक्ट कर जाएगा, क्योंकि हर इंसान की जो सच्चाई है वो ये है कि इंसान कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन कपड़े के नीचे हर इंसान नंगा है. और ये बात सच्ची है. एंड आई रिमेम्बर जब हम फोक म्यूजिक वो गाना, मुझे सीरियसली सुनना है वो चिट्ठी इन योर वॉइस इन द अदर लैंग्वेज. झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जो किछे भी खाई ना. झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जो किछे भी खाई ना. ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरी आई ना. ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरी आई ना. I would want you to sing this song. let's do it together. झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना. झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना. ना जो किछे भी खाई ना. ना जो किछे भी खाई ना. ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरी आई ना. ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरी आई ना. क्या
क्या बात है, थैंक यू फॉर टीचिंग मी. यस, सिंस यू आर ऑन द शो एंड आई एब्सोल्युटली लव योर वॉइस एंड यू नो दैट, मुझे एक और गाना सुनना है आपकी वॉइस में एंड दैट इज माय मोस्ट फेवरेट ऑफ योर इंडिपेंडेंट सॉन्ग और वो है हम नवा मेरे. वाओ, हम नवा जरूर. रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया. हाँ वो आंखें तिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा. हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना. हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना. वाओ, थैंक यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस जुबिन. Thank you so much. After you, thank you. You have the most unique tone. Thank you. Definitely, so in all the female singers I've heard, thank I love you. How you sound. And that's the reason we collab a lot on a lot of tracks. Okay, Jubin, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत अच्छा music हो गया. Now it's time for some fun. Are you ready? तो इसी round के बारे में मैं सब हंस रहे हैं, सब इसके. तो जैसे ही मैं set पे आया हूँ, वैसे ही सबने बोला कि आपका रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चंस पता है आपको. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हम बताएंगे भी नहीं. वेल, अब मैं आ गई हूँ. आर वी प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर? यस, सो वी आर प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर ऑनलाइन. ओके, सो दिस इज माय वर्जन ऑफ ट्रूथ और डेयर. रूल सिंपल हैं, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आपको उसका जवाब देना है मुझे. बट इफ यू वांट टू स्किप दैट ट्रूथ का क्वेश्चन, देन यू हैव टू डू अ डेयर. ठीक है, आसान है यार, कम ऑन. ओनली वन वे टू फाइंड आउट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द गेम. वो डायरेक्टर कौन है जो हमेशा पेमेंट्स डिले करते हैं? सारे के सारे. ये हमेशा पेमेंट्स डिले करते हैं. पेमेंट्स तो होती नहीं, इनफैक्ट सिंगर्स डोंट गेट पेड फॉर सिंगिंग ऑन रिकॉर्ड. इट्स फैक्ट. ज्यादा पैसे नहीं मिलते. ज्यादा ज्यादा नहीं मिलते. ऑलराइट, मोस्ट अननोइंग को सिंगर दैट यू हैव वर्कड विद? Dare, instantly dare. I have no such. Yes. You're ready for it? For the dare? You're ready for the dare? Okay. So, जो भी आपके फोन पे last dialed है, पहले तो दिखा दो कौन है last dialed. उनको आपको call करके बोलना है, I love you. हाँ, इसमें लिखा है जी जान. हाँ, तो यही है. I hope she answers. That's it. हाँ माँ, I love you. I love you. Yes. How cute. Thank you. Thank you. Theek hai ma. Okay. I love you too. Yes. Yes. Oh, I love sweet. You. I love you. Okay, so. Okay, mera beta. Bye. So, Jijan and last dialed on Jubin's phone is his mother. Next question. Industry mein aapka secret crush kaun hai? Aap hai meri secret crush. Oh. Yes. Okay, I didn't know that. Yes. Okay. Ye to mujhe lag raha hai. Jubin. Aap blush kar rahi hai, dekhiye. So, okay, I don't know what to do now. Okay, okay. मैं हूँ, मुझे नहीं पता था. जी. अच्छा, okay. A song sung by another singer, which you don't know कि क्यों हिट बना. तो
I need some time to think. You can choose a dare. अब पता second dare लेने में डर लग रहा है मुझे. नहीं second dare तो आपको करना पड़ेगा. Okay, तो अब मैं dare कर रही हूँ कि so you have to make a video of yourself right now and the video मैं आपको क्या करना मैं बताती हूँ. मैं इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ फिर वो हम बाद में post करें. What? Yes. मैं इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या वीडियो था जुबिन यार आपकी ना डेज आसान है आपकी डेज आसान है अच्छा डेज आसान है क्वेश्चन से ज्यादा आसान आपकी डेज है जी जी ओके कोई ऐसा कोवर्कर या फैन हु स्लिप्ड इनटू योर डीएम्स एंड यू डिड रिप्लाई टू देम लाइक यू हैड अ नाइस चैट विद या मेनी टाइम्स मैं तो खैर कोवर्कर अच्छा कोवर्कर और फैन फैंस के साथ मेरी काफी बात हुई है डीएम्स में मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे काफी इंटरेक्ट करता हूँ फैंस के साथ बात तो करता हूँ काफी कोवर में हमारी बात हुई है मेडिटेशन के ऊपर हुई है हमारी बात हमारी बात हुई और उसके अलावा आई हैव स्पोकन टू गुरु वंस गुरु रंधावा वंस ऑन इंस्टाग्राम रदरे खुशहाली आल्सो रोट टू मी फॉर दिस लेटेस्ट सॉन्ग यस पहले प्यार का पहला गम यस वेरी हैप्पी विद द वे लॉट ऑफ लव इज कमिंग आउट यस इट्स अ ग्रेट सॉन्ग ऑलराइट You have totally bowled me over, Jubin. काफी कुछ छुपा है स्ट्रेट फेस के पीछे और ये ऑडियंसेस को भी पता चल गया बट आई हैड एन अमेजिंग टाइम चैटिंग अप विद यू एंड हियरिंग ग्रेट म्यूजिक फ्रॉम यू इट्स ऑलवेज अ प्लेजर थैंक्स फॉर बीइंग ऑन इंडी है हम सीजन 2 एंड बिफोर यू गो वी वुड लाइक टू हैव अ डिजिटल ऑटोग्राफ फ्रॉम यू सो दैट वी हैव दिस मेमोरी सेव्ड विद अस Believe me, with all the music around, I don't feel like ending this episode. But agar end nahi karungi, to next week aapke liye ek aur talented indie artist and aapke favorite music stars ke saath wapas kaise aaungi? You guys don't forget to tune in to Red FM and to listen to Indie Hai Hum Season 2. Aur agar mere liye koi bhi sawal hai aapke paas, then hashtag Ask Tulsi Kumar and send in your questions. साथ में ही टैग करो रेड एफएम इंडिया टी सीरीज एंड मुझे ऑन सोशल मीडिया वील मीट नेक्स्ट वीक राइट हियर ऑन टी सीरीज एंड रेड एफएम का इंडी है हम सीजन 2 आई बी वेटिंग फॉर यू बाय